हेलो एंड वेलकम बैक टू जेके सर्विसेज। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस जम्मू एंड कश्मीर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1989। ये हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का लेक्चर नंबर एंड एलेवन है जिसमें आज हम जो जम्मू कश्मीर की लजिस्लेशन है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के रिलेटेड उनको डिस्कस करेंगे क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के एक्ट जो जम्मू कश्मीर के हैं इनकी कहीं समरी कोई मिल नहीं रही है सो आई हैड टू गो थ्रू द एंटायर एक्ट और इसमें जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन्स हैं मैंने उनको हाईलाइट किया है जो हमारे एग्जाम परसपेक्टिव के लिए इम्पॉर्टेंट है रेस्ट इसका कम्प्लीट पी डी एफ मैं आपको दे दूंगा यू कैन गो थ्रू इट बट इन दिस वीडियो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन्स है हमारे एग्जाम परसपेक्टिव के लिए हम उनको डिस्कस करेंगे सो लेट स्टार्ट दिस एक्ट रिसिव्ड दसेंट ऑफ गवर्नर ऑन एट्थ जुलाई नाइनटीन हंड्रेड एटी नाइन ये हमारा पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि आपने रिसेंटली देखा है कि जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो क्वेश्चन आस्क किया था कि कौन से डेट पे पंचायत का एक्ट पास हुआ सो दिस पॉइंट बिकम्स फर्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस कि हम याद करें कि हमारे पास माइंड में हो फैक्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो हमारे पास कि ये किस कौन से डेट पर गवर्नमेंट ने एसेंट किया था सो इट वॉज ऑन एट्थ जुलाई नाइनटीन इस एक्ट uh, का मकसद ही था कि ये कंसोलिडेट करे किसको लॉ को रिलेटिंग जो कॉपरेटिव सोसाइटीज़ को हो क्यों ताकि जो ऑर्डरली डेवलपमेंट हो कॉपरेटिव मूवमेंट की स्टेट में ना इसके काफ़ी ज़्यादा चैप्टर्स है जैसे एक्ट में होते हैं हम इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे उनमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे सी द फर्स्ट इज़ ये जो एक्ट पास हुआ ये अप्लाई इट शेल अप्लाई एक्सटेंड टू द होल ऑफ द स्टेट ऑफ़ जम्मू एंड कश्मीर जिसमें तीन प्रोविंस थे उस वक्त दैट वॉज द लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर नाउ कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन इस एक्ट में डिफ़ाइन है उनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे द फर्स्ट इज़ इस एक्ट ने कॉपरेटिव सोसाइटी का साल बताया कि हम किस में बताएंगे कॉपरेटिव सोसाइटी का ईयर क्या है इन रिलेशन टू एनी कॉपरेटिव सोसाइटी और क्लास सच सोसाइटी मीन इज़ द ईयर एंडिंग थर्टी फर्स्ट डे ऑफ द मार्च यानि हर साल का जो थर्टी फर्स्ट डे होता है मार्च का थर्टी फर्स्ट मार्च ये कंसिडर किया जाएगा कि एंड है किसका दिस इज द एंड टू दी कोऑपरेटिव सोसाइटी का ईयर यानी थर्टी फर्स्ट मार्च से लेके फर्स्ट अप्रैल से लेके कर थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च तक हम कंसिडर करते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक ईयर है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है बिकॉज कोऑपरेटिव सोसाइटी में ऑडिटिंग जो होती है वो ईयरली बेसिस पे होती है सो द कंप्लीट ईयर एंड्स ऑन थर्टी फर्स्ट डे ऑफ द मार्च इसके अलावा इस एक्ट में जहाँ पे भी ऑफिसर टर्म का इस्तेमाल हुआ है ऑफ़िसर में जो टर्म आती उसका मतलब है या तो प्रेसिडेंट भी है वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन वाइस चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर सेक्रेटरी मैनेजर मेंबर ऑफ द बोर्ड ट्रेजरर लिक्विडेटर एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड अंडर सेक्शन थर्टी इन सारे पोस्ट के लिए इस एक्ट ने एक टर्म इस्तेमाल की है दैट्स ऑफिसर द चैप्टर सेकेंड जो है वो डील करता है इस एक्ट का रिगार्डिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज तो रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए इस एक्ट के ये इस एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट मे अपॉइंट ए पर्सन टू बी द रजिस्ट्रार ऑफ कॉपरेटिव सोसाइटीज फॉर द होल स्टेट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ सोसाइटीज एंड मे अपॉइंट ए पर्सन ऑफ और ए परसन टू असिस्ट हिम यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज की रजिस्ट्रेशन uh, के लिए गवर्नमेंट रजिस्ट्रार को अपॉइंट करेगी और उस रजिस्ट्रार को असिस्ट करेंगे डिफरेंट पर्सन या तो एक या मल्टीपल पर्सन इसके नीचे काम करेंगे इसके अलावा गवर्नमेंट में अपॉइंट एनी नंबर ऑफ एडिशनल रजिस्ट्रार्स इन द कोऑपरेटिव सोसाइटीज टू असिस्टेंट रजिस्ट्रार नाउ इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो प्रोविजन है क्या तरीका है रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज को अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट अगर किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर करना होगा रजिस्ट्रेशन करनी होगी तो वो एक एप्लीकेशन देता है रजिस्ट्रार के नाम पे और वो एप्लीकेशन जो होती है एवरी सच एप्लीकेशन शैन कन्फर्म द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए एप्लीकेशन शैल बी एक्म्पनीड बाई थ्री कॉपीज़ ऑफ द प्रपोज्ड बाई लॉज ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ यानी उस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जो अपने लॉज हैं उसके तीन कॉपीज़ किसके होने चाहिए एप्लीकेशन के साथ हम रजिस्ट्रार को देंगे इसके अलावा द सेकेंड इज वेयर ऑल एप्लीकेंट्स आर इंडिविजुअल्स द नंबर ऑफ एप्लीकेंट शेल नॉट बी लेस देन हंड्रेड इन केस ऑफ प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी एंड नॉट लेस देन फिफ्टी इन केस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ नॉन एग्रीकल्चर सोसाइटीज प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ हजबैंड एंड वाइफ ज्वाइनिंग एज अ मेंबर दे शेल बी ट्रीटेड एज वन मेंबर फॉर द पर्पज ऑफ रजिस्ट्रेशन यानी अगर हम प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो कम से कम 100 मेंबर्स उसके होने चाहिए अगर हम नॉन एग्रीकल्चर सोसाइटी की रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसमें 50 मेंबर्स होने चाहिए और अगर किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में हस्बैंड और, तो और वाइफ दो मेंबर कंसिडर किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों हैं तो उनको एक ही जो है मेबर कंसिडर किया जाएगा वन मेंबर ओके नाओ इसके अलावा एवरी वन ऑफ द हु इज़ हुडिजुल शेल बी एबो द एज ऑफ एटीन ईयर्स यानी जो भी इसका मेम्बर है uh, कोपरेटिव सोसाइटी का उसकी एज होनी चाहिए एबो एटीन ईयर्स नाओ यहाँ हमारे तीन पॉइंट्स आ गए पहला पॉइंट ये आया कि कम से कम हंड्रेड यहाँ पे होना चाहिए uh, प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी में मेम्बर्स 50 होने चाहिए नॉन एग्रीकल्चर सोसाइटी में और हस्बैंड वाइफ का जो है एक कोर्ट कंसिडर किया जाता है एंड द मिनिमम एज इज 18 इयर्स दीज आर ऑल द थ्री फैक्ट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर नाउ अब रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस है अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड है वो क्या काम करता है वो पहले प्रोविजनली सिक्स मंथ्स के लिए एक रजिस्ट्रेशन दे देता है प्रोविजनली अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड है कि एप्लीकेशन जो है वो जेन्यून है ये सारी क्राइटेरियाज फुलफ़िल करता है तो वो सिक्स मंथ्स के लिए एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कर लेता है अंडर इन इन दिस सिक्स मंथ्स अगर कॉपरेटिव uh, सोसाइटीज़ जो है परमानेंट रजिस्ट्रेशन पाना चाहती है तो उसको एक पर्टिकुलर कैपिटल बिल्डिंग दिखानी होगी मेंबरशिप मोबलाइजेशन एजुकेशन टू बी प्रिस्क्राइबड डेवलपमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट प्लान्स एंड स्कीम्स यानी इन सिक्स मंथ्स के अंदर अंदर जो ये तीन क्राइटेरियाज है कैपिटल बिल्डिंग मेंबरशिप ऑफ मोबालाइजेशन एंड एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट्स ये वर्क दिखाना पड़ेगा कोऑपरेटिव सोसाइटी को और उसके बाद वेर ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इज रजिस्टर्ड प्रोविजनली अंडर दिस एक्ट द रजिस्टर शेल इशू द प्रोविजनल सर्टिफिकेट साइंड हिम जैसे मैंने पहले कहा फॉर सिक्स मंथ्स प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन की जाती है इसके अलावा जब रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड होता है द सोसाइटी द ऑब्लिगेशन एज डाउन इन सेक्शन सिक्स ऑफ द एक्ट क्वालिफाइंग फॉर द परमानेंट रजिस्ट्रेशन उसके बाद रजिस्ट्रार जब सेटिस्फाई होता है वो इसको परमानेंट रजिस्ट्रेशन दे देता है नाउ अगर किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम चेंज करना हो तो नाम चेंज करने का क्या तरीका है इस एक्ट के अकॉर्डिंग ए कोऑपरेटिव सोसाइटी मे बाय एन अमेंडमेंट ऑफ इट्स बाय लॉज चेंज इट्स नेम द चेंज ऑफ द नेम ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी शैल नॉट अफेक्ट एनी राइट्स और ऑब्लिगेशंस ऑफ़ द कोऑपरेटिव सोसाइटी और रेंडर एनी लीगल प्रोसीडिंग्स प्रोसीडिंगस बाय और अगेंस्ट स्टेट यानी अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी अपना नाम बदलना चाहती है वो बस एक अमेंडमेंट लाए अपने बाय लॉज में ईजिली नाम चेंज कर सकती है सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब एक कोऑपरेटिव सोसाइटी अपना नाम चेंज करती है तो उसके राइट्स पे ऑब्लिगेशंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज अगर कोऑपरेटिव सोसाइटीज को अमेलगिमेट करना हो यानी एमेलगिमेशन ट्रांसफर ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एंड डिविजन ऑफ कॉपरेटिव सोसाइटीज इन तीन पॉइंट्स के रिलेटेड ये एक्ट क्या कहता है ए कोपरेटिव सोसाइटी में विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द रजिस्ट्रार एंड बाय द रेजोल्यूशन पासड बाई टू थर्ड ऑफ द मेजोरिटी ऑफ इस मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग एट जनरल मीटिंग ऑफ द सोसाइटी यानी तीन क्राइटेरिया इसने रखे इन तीनों चीज़ों के लिए ये एक्ट क्या कहता है कि कॉपरेटिव सोसाइटी को पहले रजिस्टर अप्रूव करना चाहिए इसके अलावा एक रेजोल्यूशन अगर पास करता है टू थर्ड ऑफ मेजॉरिटी यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी के जितने सारे मेम्बर्स हैं उसमें टू थर्ड ऑफ मेम्बर्स प्रेजेंट हैं और वो वोट कर रहे हैं तो जब वो वोट कर रहे हैं तो उसमें क्या हो सकता है दी कैन ट्रांसफर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ और या वो खुद को डिवाइड कर सकते हैं टू तो और मोर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में देर आर थ्री प्रोविजन आई वुड रिपीट इट वन इज रजिस्ट्रार शुड गिव अप्रूवल एंड टू थर्ड ऑफ द मेंबर्स शुड गिव रेजोल्यूशन को अप्रूवल देने चाहिए किस रेजोल्यूशन को वो रेजोल्यूशन हो सकती है एम के रिलेटेड या ट्रांसफर ऑफ एसेट्स के रिलेटेड या लाइबिलटीज़ के रिलेटेड तो तीनों प्रोविजन में तीनों चीजों में वो कॉपरेटिव सोसाइटीज या तो एम हो सकती है या अपने एसेट्स को ट्रांसफर कर देगी या लाइबिलिटीज को ट्रांसफर कर देगी या कॉपरेटिव सोसाइटीज को दो या दो से ज्यादा कॉपरेटिव सोसाइटीज में डिवाइड करेगी नाउ नेक्स्ट इज कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ कॉपरेटिव सोसाइटीज़ ना वेर द होल ऑफ़ द एसेट एंड लाइबिलिटीज ऑफ कॉपरेटिव सोसाइटीज़ आर ट्रांसफर टू अनर कॉपरेटिव सोसायटी इन अकॉर्डेंस टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन फोर्टीन ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्स्ट मैं कॉपरेटिव सोसाइटी शैल स्टैंड कैंसल एंड द सोसाइटी शैल बी डीम टू हैव बीन रिजोल्व एंड शेल एग्जिस्ट सीज टू एग्जिट एज कऑपरेटिव बॉडी यानी जब सारे एसेट्स एक कॉपरेटिव सोसाइटी के दूसरे कॉपरेटिव सोसाइटी में ट्रांसफर किए जाएंगे यानी कऑपरेटिव सोसाइटी पहली थी अब सारे एसेट्स इसके कॉपरेटिव सोसाइटी सेकंड में ट्रांसफर किए जाए जब सारे एसेट्स ट्रांसफर हो गए तो ऑटोमेटिकली कॉपरेटिव सोसाइटी फर्स्ट जो है वो सीज हो जाती है वो खत्म हो जाती है द सेकंड प्रोविजन जो इस एक्ट का कहता है व्हेन टू आर मोर कऑपरेटिव सोसाइटीज आर एमेलगेमेटेड इन न्यू कॉपरेटिव सोसाइटी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन फोटी ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ एक्ट ईच ऑफ द एम एल के मीटिंग सोसाइटी शल स्टैंड कैंसल ऑन द रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू सोसाइटी सिम्पल सी बात है जब दो कॉपरेटिव सोसाइटीज़ अब डिसाइड करती है कि वो हम मिल के काम करेंगे और ये तीसरी कॉपरेटिव सोसाइटी बन गई और अब जब ये दो कॉपरेटिव सोसाइटी मिल के तीसरी बनाती है तो ये दोनों कैंसिल हो जाती है आटोमेटिकली दीज आर रिजोल्व एंड दिस वन इज फॉर्मन सिंपल है इसमें कुछ ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है नाउ द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ दिस कॉपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट डील्स विद ऑफ द कॉपरेटिव सोसाइटी उनके राइट्स क्या और लाइबिलिटीज़ क्या है अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट नो पर्सन शैल बी एडमिटेड एज ए मेंबर ऑफ कॉपरेटिव सोसाइटी एक्सेप्ट ये एक्ट क्या कहता था कि कोई भी मेंबर इस कॉपरेटिव सोसाइटी जम्मू कश्मीर में जितनी सारी कॉपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उसका जो है मैंबर नहीं बन सकता है एक्सेप्ट कि वो इंडिविजुअल कॉम्पिटेंट हो टू कंट्रैक्ट अंडर सेक्शन 11 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एक्ट ये परमानेंट रेजिडेंट नहीं हो जम्मू कश्मीर का सिंस अ डोमिसाइल कॉन्ट यू कैन अप्लाई इट टेयर यानी आप डोमिसाइल होना चाहिए जम्मू कश्मीर का और कंपिटेंट होना चाहिए अंडर द सेक्शन अलेवन ऑफ द कंपनी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दिज आर टू इंपॉर्टेंट प्रोविजन्स इस एक्ट में कुछ और इस एक्ट में कुछ और डेफिनेशन है कि हम प्राइमरी सोसाइटी किसे कहते हैं सेंट्रल सोसाइटी किसे कहते हैं और अपेक्स सोसाइटी किसे कहते हैं अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट प्राइमरी सोसाइटी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी हुज मेंबरशिप कंसिस्ट ऑफ एक्सक्लूसिवलीफ इंडिविजुअल्स यानी जिसके मेंबर्स खाली आदमी हैं इंडिविजुअल्स हैं सेंट्रल सोसाइटी होती है जिसकी मेंबरशिप में प्राइमरी सोसाइटीज़ आती है और एपेक्स सोसाइटी है जिसकी मेंबरशिप में सेंट्रल सोसाइटीज़ आती है यानी प्राइमरी सोसाइटी जो है इसमें इंडिविजुअल्स होते हैं जो सेंट्रल सोसाइटीज़ है इसमें प्राइमरी सोसाइटीज़ होती है और जो एपेक्स सोसाइटी है इसमें मेम्बर्स सेंट्रल सोसाइटी होती है यानी एक हायरार्की की तरह है पहले सबसे ज़्यादा जो है ऊपर की ओर एपेक्स सोसाइटी आ जाती है देन सेंट्रल सोसाइटी आती है और देन प्राइमरी सोसाइटी आती है नाउ अगर वोट्स की बात करेंगे एवरी मेंबर ऑफ कॉपरेटिव सोसाइटी शेल है वन वोट इन द अफेयर्स ऑफ सोसाइटी अगर कभी कभार हमारे पास वोटिंग होती है और इक्वलिटी ऑफ वोट्स है उस टाइम चेयरमैन को एक एडिशनल कास्टिंग वोट दिया जाता है ए नॉमिनल और एसोसिएट मेंबर शेल नॉट अ राइट ऑफ वोट जो भी नामिनल है जो जिसको नॉमिनेट किया गया है या एसोसिएट मेंबर है उसको राइट ऑफ़ वोट बिल्कुल भी नहीं है वायर अ गवर्मेंट इज़ ए मेंबर ऑफ कॉपरेटिव सोसाइटी इच पर्सन नामिनेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑन द कम्युनिटी ऑफ काऑपरेटिव सोसाइटी शेल हैव अ वोट जब किसी काऑपरेटिव सोसाइटी में गवर्मेंट मेबर होती है जो भी गवर्नमेंट की तरफ से मेबर होता है ही शेल हैव अ वोट अब वोटिंग कैसे होती है एवरी मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी शैल एक्सरसाइज हिज वोट इन पर्सन एंड नो मेंबर शैल बी परमिटेड टू वोट इन प्रॉक्सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्या है इस अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट अगर किसी मेंबर के पास अपना वोटिंग राइट right है वो खुद ही आके मेंबरशिप में वोट दे सकता है जब कोई डील होगा कोई बात होगी कोऑपरेटिव सोसाइटी के रिलेटेड वो अपने बदले किसी और को नहीं भेज सकता प्रॉक्सी वोटिंग नहीं है इसमें देर इज़ नो प्रॉक्सी वोट the restriction on the transfer of shares of interest the transfer of share or interest of a member in the capital of a uh, cooperative society shall be subject to such conditions and restrictions as to the maximum holdings as are specified in section 22 no transfer of member of his share or interest in cooperative shall be valid unless कहते हैं कि एक कॉपरेटिव सोसाइटी में अगर कोई बंदा मेंबर है अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र करना चाहता है उसको तीन इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस को तीन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को ज़रूरी फुलफ़िल करना पड़ेगा पहला यह है कि उसने ये शेयर्स कम से कम एक साल तक पकड़े होने चाहिए अपने पास ये ट्रांसफर खाली मेंबर ही कर सकता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का शेयर का और ये ट्रांसफर इज अप्रूव्ड बाय द कमेटी ऑफ द सोसाइटी तीन क्राइटेरियाज है यानी कि अगर कोई बंदा चाहता है कि मैं अपने शेयर्स को ट्रांसफर करूं तो उसको कम से कम उस शेयर को एक साल तक उसने पकड़ा होना चाहिए यानी ही शुड हैव होल्ड दिस शेयर फॉर एटलीस्ट फॉर वन ईयर इसके अलावा वो मेंबर होना चाहिए कॉपरेटिव सोसाइटी का मेंबर है तभी अपने शेयर तो बेच सकता है तीसरा उसको अप्रूवल होना चाहिए पहले कमेटी का कि जिस कापरेटिव uh, कमेटी जो होती है उसका अप्रूवल होना चाहिए देन ओनली कैन देन ओनली ही कैन ट्रांसफर ए शेयर इसके साथ साथ ही एक पॉइंट है कि अगर एक कॉपरेटिव सोसाइटी का कोई मेंबर मर जाता है तो उस वो अपना ट्रांसफ़र उसके शेयर उसके डिसीजड मेंबर को हो जाता है और या जो उसने नॉमिनेट किया हो जात, या अगर उसने कोई मेंबर नॉमिनेट ही नहीं किया है तो जो उसके लीगल हायर्स होते हैं उनको चला जाता है नाउ द चैप्टर फोर टॉक्स अबाउट मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ नाउ द मैनेजमेंट ऑफ कॉपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में द फाइनल अथॉरिटी ऑफ कॉपरेटिव सोसाइटी शेल वेस्ट इन द जनरल बॉडी ऑफ मेंबर्स जो मेंबर्स होते हैं कॉपरेटिव सोसाइटी के फाइनल अथॉरिटी उनमें वेस्ट करती है इसके अलावा अगर हम बात करेंगे एनुल मीटिंग कब होती है uh, कम से कम एक जनरल एनुल मीटिंग शल भी हेल्ड वंस इन एयर किसके लिए ताकि इसमें अप्रूवल दिए जाए प्रोग्राम्स को इलेक्शन के इलेक्शन के बारे में बात की जाए अगर कोई इलेक्शन कराना हो तो ऑडिट uh, रिपोर्ट को कंसिडर किया जाए जितने सारे नेट प्रॉफिट uh, से उनको डिस्पोज ऑफ किया जाए इसके अलावा जो है इलेक्शन का क्या मैनर है द मेम्बर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी शैल बी इलेक्टेड इन सच ए मैनर जिस तरह प्रिस्क्राइब किया जाएगा एंड नो पर्सन शैल बी इलेक्टेड अनलेस सी हैज़ अ शेयर होल्डर ऑफ़ द सोसाइटी इंपॉर्टेंट पॉइंट है शेयर होल्डर होना चाहिए तभी कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेम्बर बन जाएगा और टर्म ऑफ ऑफिस कमेटी में कितना है तीन ईयर्स का इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन्स हैं जिनमें हम जिनको मैंने हाईलाइट किया है यू कैन गो थ्रू इट ये काफ़ी बड़ा वीडियो बन जाएगा एंड इट विल बी बोरिंग फॉर यू सो नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एड टू द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ गवर्नमेंट जब कोऑपरेटिव सोसाइटीज को एड करती है इसमें वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इज प्रिंसिपल गवर्नमेंट पार्टनरशिप फंड द एन एपेक्स सोसाइटी विच इज़ प्रोवाइडेड विद द मनी बाय द गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 44 शैल विथ सच मनी एस्टैब्लिश अ फंड टू बी कॉल्ड प्रिंसिपल गवर्नमेंट पार्टनरशिप फंड जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि प्राइमरी सोसाइटी के मेंबर बन जाते हैं सेंट्रल सोसाइटी एंड सेंट्रल सोसाइटी का मेंबर बन जाते हैं अपेक्स सोसाइटी ओके यानी एपेक्स सोसाइटी के मेम्बर्स सेंट्रल सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं एंड सेंट्रल सोसाइटी इन टर्म प्राइमरी सोसाइटी से बनती है जिसके मेम्बर्स इंडिविजुअल्स हैं ये एक्ट कहता है कि जो अपेक्स सोसाइटी जिसको प्रोवाइड करती है मनी गवर्नमेंट वो इस्टेब्लिश करेगी प्रिंसिपल गवर्नमेंट पार्टनरशिप फ़ंड को एन एपेक्स सोसाइटी शैल यूटिलाइज़ द प्रिंसिपल गवर्नमेंट पार्टनरशिप फ़ंड फॉर द पर्पज़ ऑफ ये किसके लिए इस्तेमाल कर सकती है डायरेक्टली परचेजिंग शेयर्स के लिए प्रोवाइडिंग मनी टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी या मेकिंग पेमेंट टू द गवर्नमेंट यानी याद रखिएगा गवर्नमेंट पार्टनरशिप फ़ंड एपेक्स सोसाइटी बनाती है जिसका काम है कि या तो ये डायरेक्टली परचेज शेयर करे इससे या कोऑपरेटिव सोसाइटी को पैसे दे इससे या मेकिंग पेमेंट टू द गवर्नमेंट इन अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द चैप्टर नो दिस इज अनदर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ए कॉपरेटिव सोसाइटी शेल आउट ऑफ इट्स नेट प्रोफिट ड्यूली सर्टिफाइड इन द ऑडिट इन एन ईयर ट्रांसफर एंड अमाउंट नॉट बिंग लेस देन ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ द प्रोफिट रिजर्व फंड यानी जब एक कॉपरेटिव सोसाइटी ऑडिट करती है एक साल के बाद इसमें से पच्चीस परसेंट जो इसने प्रॉफिट कमाया कम से कम 25 परसेंट इसको अपना रिजर्व फंड में रखना पड़ेगा 25 परसेंट से कम ऐसा नहीं हो सकता मान लीजिए कॉपरेटिव सोसाइटी ने हंड्रेड करोड़ का एक साल में प्रॉफिट कमा लिया तो मिनिमम 25 करोड़ रुपीस कॉपरेटिव सोसाइटी का एक फंड होता है रिजर्व फंड जो हमने कॉपरेटिव सोसाइटी के पहले वीडियोज़ में डिस्कस किया है ट्वेंटी करोड़ रुपीज़ इसको एज ए रिजर्व फंड रखना ही पड़ेगा मस्ट है डिस्पोजल ऑफ नेट प्रॉफिट इसमें से कम से कम नॉट लेस देन ट्वेंटी फाइव परसेंट आपको रिजर्व फंड में रखना पड़ेगा नाउ वी विल गो डायरेक्टली टू सम अदर प्रोविजन सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स में आप ये पढ़ लीजिएगा नाउ वाइंडिंग अप ऑफ द रेजोल्यूशन ऑफ कॉपरेटिव सोसाइटी दिस इज ऑल्सो वेरी इजी यू कैन गो थ्रू इट जो मोस्ट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है नाउ हम उसको पढ़ेंगे द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एक्ट इज दैट एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट इस एक्ट के अकॉर्डिंग देयर शैल बी स्टेट एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक फॉर स्टेट एंड एज मनी प्राइमरी एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक एज मे बी डीम्ड नेसेसरी यह एक्ट कहता है कि uh, एक स्टेट एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंटल बैंक होना चाहिए स्टेट में और प्राइमरी एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंटल बैंक्स होने चाहिए ये जरूरत के हिसाब से है जितना ज़्यादा स्टेट को ज़रूरत लगेगा उतना ज़्यादा प्राइमरी एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंटल बैंक्स होंगे अब यहाँ सवाल पैदा होता है द पावर ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंटल बैंक जो एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंटल बैंक का काम होगा इट इसका जो काम है टू एडवांस लोन्स एंड टू होल्ड लैंड्स ये लोन प्रोवाइड करेगा किस चीज़ के लिए लोन प्रोवाइड करेगा लैंड इंप्रूवमेंट एंड प्रोडक्टिव पर्पज़ के लिए लैंड इंप्रूवमेंट एंड प्रोडक्टिव पर्पज मीन एनी वर्क कंस्ट्रक्शन और एक्टिविटी विच एड्स टू द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड जो ये रूरल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंटल बैंक होंगे इनका काम क्या होगा कि ये उन प्रोजेक्ट्स पे लोन देंगे जिनका काम है कि लैंड की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए सो अंडर दिस एक्ट दिस वॉज क्रिएटेड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंटल बैंक सी इस एक्ट के जितने सारे प्रोविजंस हैं उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है बाकी जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अभी तक थी वो आई हैव गॉन थ्रू इट कम्प्लीटली ये एक्ट बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसकी लीगलिटीज़ में हमें नहीं जाना है बोर हो जाएंगे आप लोग भी और एग्जाम भी नज़दीक है यू कैन नॉट रिमेंबर एवरी थिंग आई विल बी प्रोवाइडिंग यू दिस पी डी एफ ऑन टेलीग्राम चैनल आप इससे गो थ्रू हो जाइएगा एंड यू रिमेंबर द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बट एट लीस्ट अभी तक जितना इंफॉर्मेशन आपके साथ डिस्कस किया यू हैव टू रिमेंबर एट लीस्ट दिस मच ऑफ इन्फॉमेसन होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दिस डिमांड्स ए लॉट ऑफ यू भर्ट आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आपका सब्सक्राइब आपका लाइक हमें मोटिवेशन देता है ताकि और अच्छा सा कंटेंट आपको ले पाए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग